तो दोस्तों धामन सांप यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया है। ठीक तो बन जाता बाकी। तो देखिए ये कोबरा सांप अपनी अपना फन फैलाए। तो दोस्तों आपने देखा धामन सांप तो मैंने रेस्क्यू कर लिया, काफी दलदल है, नीचे धस रहा है, और ये कोबरा सांप देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप इसने ले लिया है। तो दोस्तों कोबरा सांप की यही खासियत है, इसलिए ये सांप आक्रामक होते हैं और अपना फन फैलाते हैं। तो दोस्तों ये जब आक्रामक होते हैं तब इस तरह अपना फन फैलाते हैं और सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं, खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके सामने कोई ना जाए, इसलिए सांप ऐसा करते हैं। तो चलिए मैंने इसको पकड़ लिया है और ये देखिए काफ़ी आक्रामक कोबरा सांप, ऊपर भी एक कोबरा सांप है। पहले मैं इसको बैग में डालता हूँ, शायद ये नर मादा हो सकते हैं या फिर शायद ये दोनों भी नर हो सकते हैं या फिर मादा हो सकते हैं। चलो भाई इसको हम बैग में डालते हैं। तो एक धामन सांप और एक कोबरा सांप यहाँ पर हमने रेस्क्यू कर लिया है, पकड़ लिया है सुरक्षित। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर लिया है इसमें इंडियन रेड स्नेक छुपा हुआ है। आ गया आ गया आ गया। काफी ज्यादा वीक हुआ है, काफी दिन से गिरा हुआ था ना। तो ये देखिए धामन सांप, देखिए कुएं में गिरने के कारण काफ़ी वीक हुआ है, इसको खाना भी नहीं मिला, और कुछ दिन ये कुएं में रहता तो मर जाता। चलो मैं इसको बैग में डालता हूँ। और एक कोबरा सांप बचा हुआ है, उसको भी हम रेस्क्यू करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कोबरा सांप, गिर गया। काफी आक्रामक है कोबरा सांप, बहुत ही ज्यादा आक्रामक। चलो 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 आपको अभी सुरक्षित हमने पकड़ लिया है, आप अभी जंगल में आजाद होने वाले हो। तो दोस्तों आपने देखा कुएं में दो कोबरा सांप और दो धामन सांप रेस्क्यू किए थे, इन सांपों को यहाँ पर हम रिलीज कर रहे हैं। चलिए तीन सांप रिलीज किए, आखिरी कोबरा बचा हुआ है, भागो। काफी आक्रामक स्थिति में ये सांप। तो चलिए दोस्तों इन सांपों को हमने यहाँ पर रिलीज किया।